हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो मैं बना रही हूँ यहाँ सब्जी। पत्ता गोभी, गाजर और आलू काटे हैं मैंने, अच्छे से धो लिया है उन्हें बारीक काट के। तो बस एक प्याज ली है, 4-5 लहसुन की कलियाँ और एक हरी मिर्च। तो तेल में जीरा डालकर इसे डाल दिया है, प्याज वगैरह को। और जब ये अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए, उसके बाद टमाटर डाला है, छोटा सा टमाटर एक डाला है। उसके बाद वही रेगुलर सूखे मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और बस तड़का तैयार है। तो बस इसे अच्छे से मिलाएंगे और जैसे ही ये मिल जाए तो इसमें डाल देंगे वो सब्जी जो मैंने काट के रखी है। मटर मुझे नहीं मिले, अगर मटर हो तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। तो सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे। और ब्रेकफास्ट बाकी सबका हो चुका है, मेरा ब्रेकफास्ट रह गया है। तो ये लंच के लिए ही समझ लीजिए आप, सब्जी मैं बना रही हूँ। मम्मी आने वाले हैं, मम्मी मासी के घर गए थे, तो आज मम्मी को शिमला जाना है। हम सभी को भी जाना था पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, तो बेटा मम्मी के साथ जा रहा है, इसीलिए मैं ये सब्जी बना रही हूँ ताकि मैं और मम्मी भी ब्रेकफास्ट कहो लंच कहो कर लें। क्योंकि मम्मी ने भी थोड़ा बहुत तो खा लिया होगा सुबह में जब निकले हैं, तो मैंने उनके चक्कर में आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो बस मैं अब चपातियाँ लगा दूंगी अपने और मम्मी के लिए। बाकी सबने सुबह कर दिया था, हस्बैंड शॉप चले गए हैं, और काम मैंने मम्मी के आने से पहले ही झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत कर लिया था, क्योंकि पीछे से फिर सफाई नहीं करते हैं कोई वो जाता है सब तो। आपकी ना शेम शेम करेंगे करेंगे ना, जब आपको बोल रहे हैं मम्मा के साथ जाएंगे, आप जाएंगे ना, एक दो दिन से जाएंगे हम। चलो भैया को बाय करो, शेम शेम कर रहे, सारे देख रहे हैं आपको। चलो बाय करो भैया को। बाय सुजल, ऐसे देखे, इधर तो देख ले। बाय, शरारत मत करियो ना। बाय मम्मी। तो ये लोग जा चुके हैं बस में, ये लोग जाएंगे और अब चलते हैं वापस। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपना घर। तो ये हमारा घर है, NH से बिल्कुल ही 2 मिनट का रास्ता है, 1 मिनट होगा। और सबसे नीचे हम रहते हैं, उससे ऊपर किराएदार, फिर जिम है और ऊपर खाली है। तो चलिए चलते हैं। ये लो लो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो 2 बज रहे हैं और सुजल चला गया है नानी के साथ। तो लावण्या भी रो रही थी जाने के लिए, पर हम जाएंगे। अब पहले हम आज सारे जा रहे थे, फिर हस्बैंड ने मना कर दी कि 2-3 दिन के बाद जाएंगे, फिर सुजल को भेज दिया। छुट्टियां हो गई है, यहाँ भी बोर हो जाते हैं बच्चे, तो सुजल चला गया है। अब हम 3 परसों देखते हैं, फ्राइडे सैटरडे कभी भी जैसा टाइम लगा वैसे चले जाएंगे। तो काम से मैं हो चुकी हूँ फ्री, और यहाँ पर मैंने ये कपड़े फोल्ड करके रखे हैं, और बाहर बहुत सारे कपड़े धोए हैं, रात में धोए थे, पानी आ रहा था। और अब मैं जा रही हूँ धूप में थोड़ी देर, धूप बहुत अच्छी खिली है। और उसके बाद देखते हैं फिर शाम में क्या बनाएंगे खाने में। तो लाइट कर देते हैं बंद और चलते हैं। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको कपड़े, सारे कपड़े मैंने रात में धोए थे। इधर भी है, ये नहीं धोया था, पीछे तक और मेरे कपड़े उड़ रहे हैं, पीछे तक धोए हैं। टीवी के साउंड कम करो, थोड़ी सी कम करो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं आई थी अभी लाइव, गई थी अभी लाइव, और बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैं लाइव गई। तो वैसे ही धूप से आई और उसके बाद मैं बैठी यहाँ, चाय मैंने बनाई पहले, चाय बना के फिर मुझे ध्यान आया कि लाइव अनेबल करना पड़ता है, मतलब ऑप्शन आ जाता है, अनेबल करना पड़ता है उससे। तो मैंने कहा चलिए उसको ट्राई मारती हूँ। चाय पी के मैं फ्री हुई और मैंने फ़ोन ट्राईपॉड पे लगाया और मैं उसकी सेटिंग करने लग गई। तो मुझे पता ही नहीं लगा, एकदम से उस पर नेक्स्ट मैंने किया और लाइव आ गई। और उसके बाद मुझे लगा कट कर दूं, सेटिंग वगैरह का मुझे अभी कोई भी पता। लावण्या मत करो, नीचे उतरो बेटा, सोफे पे कूद रही है। और उसके बाद 1 घंटा तक लाइव थी और बहुत अच्छा लगा सबसे डायरेक्ट बात करके। कमेंट्स पे तो ये रहता है, उतना
नहीं पता होता, लाइव में एकदम से जो पूछते हैं बता सकते हैं। तो आज मुझे पता नहीं लगा, थोड़ा और कमेंट इतने छोटे छोटे से दिख रहे थे एक साइड स्क्रीन के एक साइड पे। तो अभी मुझे कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे कि दी आपने बताया नहीं लाइव आएंगे, हम आपसे नाराज़ हैं। तो सॉरी, मुझे खुद भी पता नहीं लगा, और मैं बोल ही रही थी इनको, हस्बैंड को, कि यार लाइव कैसे आते हैं, कोई सेटिंग्स वगैरह होती है ये चेक करूँगी, फिर टाइम ही नहीं लग पा रहा था। आज मैं शिमला जा रही थी, फिर हस्बैंड ने मना कर दी कि 2-3 दिन के बाद चलेंगे, मैं भी आऊँगा। और फिर सुजल को भेज दिया, सुजल चला गया। और एक मिनट, मैं पहले दरवाज़ा बंद कर दूँ, इतनी ज़ोर ज़ोर से इस पागल ने टीवी लगा रखा है ना, नालायक ने, और खुद सोफे पे नाच रही है। तो लाइव के चक्कर में कब आई थी मैं लाइव, उसके बाद फिर मैं यहीं बैठी रह गई। और पीछे देख सकते हैं आप, इसके ऊपर सारा फैला रखा है। बेटे ने जब गया तो उसने अपना बैग खाली किया, बुक्स भी उसने ये फेंक दी, और उस पर कपड़े वगैरह वगैरह लेके गया, उसका मन नहीं था जाने का, तो भेज दिया मैंने, क्योंकि यहाँ भी उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं होंगे तो ऐसा ही यहाँ पर भी बोर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद लाइव में बिज़ी हो गई, और खाने का भी कोई भी इंतज़ाम नहीं है। और अभी हस्बैंड का फ़ोन आया, खाने में क्या बना रहे हो आज, लास्ट साल है। और मैंने कहा कुछ भी नहीं बनाया अभी तो कह रहे तब कब बनाओगे, 7 बजने वाले हैं। तो अब पनीर मैंने मंगवाया है उनसे, वेजिटेरियन का तो देखिए स्पेशल यही होता है, पनीर ही से सारी रेसिपीज़ बनती हैं। तो फिर आज ना मन ही कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि बेटा गया और उसके बगैर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। तो अब मैं जाती हूँ यहाँ ऊपर तक, हस्बैंड आएंगे सड़क तक और वो पनीर लेके आएंगे। प्याज भी ख़त्म हो गई थी तो प्याज भी मंगवाई है, और अब फिर मैं लेके आती हूँ, फिर बनाती हूँ पनीर भुर्जी बनाऊँगी, क्योंकि लावण्या को पनीर भुर्जी बहुत पसंद है। तो शाही पनीर वगैरह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उसमें एक तो पनीर वैसे ही स्टोन वालों को मना होता है, तो इनके लायक बनाऊंगी। मेरे लिए सुबह की सब्जी बची है, सुबह क्या दोपहर में ही बनाई थी, 12 बजे के करीब, 11 बजे के बाद मैंने बनाई थी। और पत्ता गोभी गाजर की सब्जी, आलू डाले थे वो बनाई थी मैंने, और वो भी रखी है, और आटा गूंथ के रखा है, पता नहीं, ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा। तो चलिए, और किचन में बर्तन सारे के सारे फैलाए हैं, बेटा गया ना तो उसके बाद 2 रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया था, 3रे रूम में नहीं लगाया था। और हमारे यहाँ ऐसा होता है जब कोई जाता है तो पीछे से झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह नहीं एकदम से कुछ करते, तो बस वो गए। उसके बाद हस्बैंड को चपातियाँ बनाई, उनको खाना दिया, और मैं धूप में निकल गई, 1.5 घंटा धूप में बैठी, और उसके बाद आई, और उसके बाद लाइव में लग गई, चाय पी और लाइव में लगी। उसके बाद मेरी एक ननद लगती है, बुआ सास की बेटी है, तो वो आ गई थी, थोड़ी देर उसके साथ बैठी, तो वो भी मेरी वीडियोस देखती है, तो उसके साथ बैठी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा और बिज़ी होगी कमेंट्स रीड करने में, तो टाइम का पता ही नहीं लगा। और बहुत अच्छा लगा आज लाइव आके, नेक्स्ट टाइम आएंगे, देखते हैं कल परसों कभी भी, तो जिस दिन वीडियो मेरे पास नहीं होगा उस दिन मैं लाइव आऊँगी, और लावण्या से भी आपकी बात करवाऊँगी। आज सब पूछ रहे थे लावण्या कहाँ है, तो चलिए अब किचन में चलती हूँ, पहले तो पानी गर्म करने को रखती हूँ, और उसके बाद किचन में चलते हैं, बर्तन सारे बर्तन धोने को है। किचन की तो हालत इतनी गंदी है ना, मैं बता नहीं सकती, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। तो चलिए अब किचन में चलती हूँ फटाफट। तो पनीर भुर्जी मैं बना रही हूँ, क्योंकि शाही पनीर वो बोल रहे थे, पर शाही पनीर में ना टमाटर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, ग्रेवी पड़ेगी, और फिर मैं बिल्कुल ही नहीं खा पाऊँगी। तो मैं पनीर भुर्जी ही बनाऊँगी, और लावण्या की भी वो फेवरेट है, तो ये मैंने तैयारी कर ली है। ये प्याज काटी है, 2 प्याज काटी है, क्योंकि प्याज बहुत महंगी है थोड़ा सा ही पनीर हम लोग बना रहे हैं, 1 पैकेट है 200 ग्राम, तो 2 प्याज काफ़ी है उसके लिए, चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये रही अदरक लहसुन और हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च है बड़ी, 5-7 लहसुन की कलियां, और अदरक बारीक काट लिया है, और प्याज को लंबा लंबा बारीक बारीक काटा है, और ये पनीर। तो पनीर को मैंने ना कद्दूकस नहीं किया, मैं नहीं करती, उससे बिल्कुल पतला पनीर हो जाता है, ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में हाथ से मैंने कर लिया है टुकड़े टुकड़े। और ये धनिया, तो बस यही लगेगा, टमाटर मैंने लिए तो 2 है, पर ये दोनों नहीं लगेंगे, 1 डालूंगी, ये ना यहाँ से ख़राब है, तो ये आधा ख़राब है, इससे जो थोड़ा सा निकलेगा ये वाला पोर्शन, ये ही डालूंगी, तो 1 टमाटर से थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी,
ये भी कुछ मुझे ख़राब सा लग रहा है ना, तो कम होगा ये, मतलब दोनों नहीं होंगे, एक ही टमाटर ही आएगा। और तेल मैंने हीट करने को लगा दिया है, ये हीट हो चुका है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और फ़ोन को लगाती हूँ ट्राईपॉड पे। तो बनाते हैं पनीर भुर्जी। तो तेल हीट हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा। तो बस गैस को मैंने अभी नहीं जलाया है। लहसुन डाल दूंगी, हरी मिर्च डाल दूंगी और ये अदरक का टुकड़ा जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। तो सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पी सा होने देंगे। गैस को मैंने जला दिया है। तो सरसों का तेल है ये, इसे पहले हीट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो बस आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है लहसुन में, रेड रेड सी हो गई है, हल्की ब्राउन ब्राउन सी। तो बस अब डाल देंगे ये प्याज जो काट के रखा है, इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। तो इसे ब्राउन हम नहीं करेंगे, इसे थोड़ी देर ही हम भूनेंगे ट्रांसलूसेंट होने तक। और बस उसके बाद हम डालेंगे इसमें वो टमाटर जो हमने काट के रखे हैं। तो लहसुन जब भी आप खड़ी डालें, मतलब काट के डालें, तो लहसुन को पहले डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी आती है अगर दांत के नीचे भी वो आ जाए तो। बस इतना सा हमें प्याज को भूनना है। और इसके बाद अब हम ये टमाटर देख सकते हैं आप, एक ही निकला है, बाकी ख़राब हो गया है, ख़राब था मतलब, निकाल दिया है मैंने। तो ये काफ़ी टाइम से लाकर रखे थे और हमारे यूज़ में नहीं आ रहे हैं आजकल, टमाटर कम मैं डालती हूँ तो बस उस वजह से ये पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने सोचा इन्हीं दो को आज मैं काट लेती हूँ, नहीं तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। तो एक टमाटर के करीब ये निकला होगा, तो बस इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो बस इसको मिलाने के बाद डालेंगे इसमें नमक सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद डालेंगे इसमें हम हल्दी थोड़ी सी और लाल मिर्च, एक हरी मिर्च मैंने डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ सिर्फ कलर ऐड करने के लिए, ये देगी मिर्च है, और धनिया पाउडर थोड़ा सा, और एक चीज़ इसमें और ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर। तो बस ये सब चीज़ें डाल के इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। और बस थोड़ी देर, बस जब ये तेल छोड़ दे तड़का, तो बस उसके बाद इसमें डाल देंगे पनीर। तो थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, 2 मिनट हो गए कम से कम, मैंने इसे छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से हो गए हैं, टमाटर गल गए हैं, ज़्यादा भी हमें नहीं गलाने हैं टमाटर। बस अब ये पनीर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। तो पनीर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ज़्यादा पनीर को पकाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो हार्ड हो जाता है बाद में बहुत। तो बस थोड़ी देर इसे 1-1.5 मिनट तक इसे पकने देंगे ढक्कन ढक के। तो ढक्कन लगा देते हैं इसमें, और बस 1-1.5 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है और ये चिपकने लगा है, ये हो गया है। इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं, एक मिक्स इसे अच्छा सा देंगे, और ये तैयार है हमारी भुर्जी। तो पनीर भुर्जी बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी थी, थोड़ी सी मैंने भी टेस्ट की थी। तो बस आप ये देख सकते हैं, और इसे अब ढक देते हैं, ये हमारी तैयार है। तो बस इसको बनाने के बाद आटा मैंने थोड़ा सा गूंद लिया था, सुबह का थोड़ा सा ही बचा था आटा, 2-4 चपातियों का। तो आटा गूंद के फिर एक दो बर्तन थे, मुझे लगा चलिए इनको भी धो लेते हैं, क्योंकि पनीर भुर्जी बनाने से पहले मैंने आधे बर्तन धो लिए थे, आधे जो रह गए थे उन्हें मैं अभी साफ़ कर लूँगी, और जो अभी थोड़े बहुत हुए थे प्लेट्स वगैरह। तो बर्तन तो मतलब होते ही रहते हैं, सिंक खाली ही नहीं होती, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, जितने मर्जी बर्तन धो लो और हो ही जाते हैं, सिंक कभी खाली रह नहीं पाती, कभी चाय के कभी कुछ। तो बर्तन धोने के बाद मैंने लावण्या को नहला दिया था, आज सुबह से मैं उसे कह रही थी बेटा नहा ले नहा ले, तो वो बिल्कुल नहीं आई। सुबह में पानी गर्म किया था, उसका मूड ही ऑफ हो गया क्योंकि उसको नहीं लेकर गए नानी। तो बस फिर वो धूप में खेलती रही, मुझे भी ये लगा कि चलिए छोड़िए रात को ही नहलाऊंगी इसे, क्योंकि फिर मिट्टी में गंदे हो जाते हैं बच्चे। तो अभी इसे नहलाया है मैंने, और उसके बाद इसको कपड़े पहना रही हूँ, बहुत नौटंकी करती है ये, तो बस आज तो ये नाराज़ ही है, हर बात पे बोल रही है मैं आपसे नाराज़ हूँ, मुझे आपने शिमला नहीं जाने दिया। तो इसे मैं भेज देती, पर ये इसके मूड का पता नहीं रहता है, कभी ये रोने लग जाती है रात में, कभी रह भी जाती है। तो एक दिन मम्मी के पास भी मैंने इसे यहाँ गांव में भेजा था, तो बस ये इतनी तेज़ रोई रात में, मम्मा के पास जाना है तो फिर इससे डर ही लगा रहता है, कहीं रोएगी तो इतनी दूर कहाँ जाऊँगी मैं रात को। तो ये हस्बैंड दिखा रहे हैं लाइव कि तुम आज लाइव आई थी, सेटिंग तुमने अच्छे से नहीं की। तो बस मैं भी वही देख रही थी अपने फ़ोन से, क्योंकि नहीं देख सकते हैं ना, तो बस वो ये मुझे दिखा रहे थे। और अब यहाँ इसके फेस इसका ठीक ही नहीं हो पा रहा है, ड्राई हो गया है, जिस दिन से वो लिपस्टिक इसे लगाई थी फंक्शन वाले दिन से, तो बहुत ड्राई ड्राई सा हो जाता है और इसको इचिंग सी हो रही है।
तो बस अब उसके बाद खाना खा लिया, चपातियाँ मैंने बनाई और चावल थोड़े से लावण्या की दादी से लेकर आए, और जो सुबह की सब्जी थी उसमें मैंने चावल मिक्स कर दिए, पत्ता गोभी गाजर की जो सब्जी थी और वो मैं खा रही हूँ। थोड़े से चावल, थोड़ी सी पनीर भुर्जी ली है, एक चपाती ही मैंने खाई थी। तो बस यहाँ हमारा लावण्या को मैंने पहले दे दिया था, तो बस लावण्या ने खा लिया है और बस शरारतें करती रहती है ये लड़की। और इसके बाद हम लोग खा रहे हैं, तो चलिए पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो मेरा काम हो चुका है और 10:13 हो गए, पता ही नहीं लगा आज टाइम का। और मैंने रखा है पानी गर्म होने के लिए, और बर्तन सारे धो दिए हैं, सिंक वगैरह सब। किचन से हो गई हूँ मैं फ्री, गैस भी चमका दी है, और पानी रखा है अपने लिए गर्म होने के लिए। ठंडा पानी ना बस पी ही नहीं सकते, ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी है। और पानी गर्म हो के, पानी गर्म करके अब मैं जाऊँगी रूम में, और लावण्या देख रही है कार्टून। और आज सूजन नहीं है ना, तो लड़ाई करने के लिए कोई नहीं है, नहीं तो दोनों लड़ते रहते हैं, एक बोलता है ये कार्टून, दूसरा बोलता है वो कार्टून। तो पानी हो गया है मेरा, गर्म हो गया ज़्यादा, पर चलेगा। तो चलते हैं रूम में। लावण्या चलो चलो चलो, बंद करो। तो आप सभी को एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर, साउंड कम करो यार, साउंड कम करो। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एक बार फिर। आज 2019 का लास्ट दिन है, लास्ट दिन क्या, लास्ट रात है, जाने वाली है। कल से एक नया साल शुरू हो जाएगा, तारीखें भी बदल जाएगी और सब कुछ बदल जाता है नए साल में। रूटीन नहीं बदलेगा, डेली रूटीन वही रहेगा। तो चलिए भगवान से प्रेयर करूंगी कि आने वाला नया साल आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए। तो इसी के साथ अब इस वीडियो का भी कर देते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, 2020 की वीडियो में अगले साल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।